अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, ये जो वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पे इस समय चलती हुई देख रहे हो, नाज़रीन ये वीडियो क्लिप हमारे कश्मीर से ही सामने आई है। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो कि किस तरह से किसी शख्स ने, किसी बदबख्त इंसान ने इस मछली के अंदर तावीज़ भरे हैं और उसके बाद इसको किस तरह से लपेट कर इसको दफनाया था। नाज़रीन, इससे पहले भी हमारे कश्मीर में ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है वो सामने निकल के आई, लेकिन नाज़रीन हर बार यही बात होती है कि वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाता है लेकिन लोग नसीहत हासिल नहीं करते हैं। नाज़रीन, आज भी एक ऐसा ही वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सामने आया जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। नाज़रीन, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किसी शख्स को गिराने के लिए किस तरह का काला जादू चलाया जा रहा है। नाज़रीन, इससे पहले भी हमने कहा था कि आखिर उन लोगों के साथ अल्लाह ताला क्या हिसाब करने वाला है जो इस तरह की गलत हरकतें करेंगे। नाज़रीन, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इस मछली को जब लाया होगा उसके बाद इसके पेट में, इसके सर के अंदर तावीज भर दिए और इसको इस तरीके से लपेट कर किसी जगह दफन कर दिया। नाज़रीन, हमने इससे पहले भी आप तक ऐसे बहुत सारी वीडियो लाई हैं जो देखकर आप लोगों ने कहा था कि उन पीरों के साथ ऐसा वैसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा वैसा होना चाहिए जो ये तावीज करते हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आते हैं और कश्मीर में दिन ब दिन हजद बुकुज दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है, जिसमें एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी का तरक्की देखी नहीं जाती है, जिसके बाद ऐसे गिलोने काम किए जाते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे वारदात है जिनमें ऐसे काम किए जाते हैं, आपको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद भी मालूम होगा और सुनने में भी आप लोगों को आता होगा, चाहे वो रिश्तेदारी हो, कहीं पे रिश्ता करना हो या बाकी चीज जो है उनमें। आज के डेट में लोग ऐसा काला जादू करके एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, लेकिन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों की क्या राय होगी इसके बारे में, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दोबारा कोई इस तरह की गलत हरकत ना करें। नाज़रीन, हमने इससे पहले भी कहा था कि उन पीरों को अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा जो इस तरह से किसी के ऊपर जुल्म करेंगे, किसी के ऊपर इस तरह के से काला जादू करेंगे जिससे किसी शख्स को तकलीफ पहुंचेगी। तो नाज़रीन, हम आप लोगों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को नसीहत हासिल हो, दोबारा कोई ऐसी गलत हरकत ना करें। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सब लोगों से चाहता हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज़।